अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्मार्ट वॉच के अंदर मुंसलिक शुदा बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही छोटे साइज के एयरपोड्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वायरलेस ब्लूटूथ एयरबड्स हैं जिन्हें एयरपोड्स एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने डिज़ाइन किया है। इनका ऐलान 7 सितंबर 2017 को iPhone 7 के साथ पहली बार किया गया था। 2 साल के अंदर वो एप्पल की सबसे हालिया मॉडल मशहूर लवाजमात बन गए। पहली और दूसरी नस्ल स्मार्ट वॉच एयरपोड्स के मॉडल्स का मुतबादल हैं। हालांकि दूसरी नस्ल अब भी एप्पल की वेबसाइट पर फरोख होती है, ये भी एप्पल की वेबसाइट पर फरोख की जाती है। इस इंट्री लेवल के वायरलेस हेडफोन्स एप्पल मॉडल के एयरपोड्स मैक्स और एयरपोड्स प्रो हैं जो साथ फरोख होते हैं। ऑडियो चलाने के अलावा एयरपोड्स में एक माइक्रोफोन होता है। जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट वॉच एयरपोड्स के अंदर एक माइक्रोफोन होता है जो पस मंजर के शोर को फिल्टर करता है। और नीज बुलेट इन एक्सलोमीटर और ऑप्टिकल सेंसर जो नलकों और चुटकियों का पता लगाने के काबिल होते हैं। मसलन ऑडियो को रोकने के लिए डबल थपथपाएं या चुटकी लगाएं और कान के अंदर जगह का तयन ऑडियो को निकालने पर इनको खुदकार तौर पर रोकने के काबिल बनाता है। 20 मार्च 2019 को एप्पल ने दूसरी नस्ल के स्मार्ट वॉच एयरपोड्स को जारी किया जिसमें H1 चिप, ज्यादा टाइम और हैंड फ्री है सीरी सपोर्ट शामिल है। एक इख्तियारी वायरलेस चार्जिंग केस जिसकी कीमत अजाफी है पेशकशों में शामिल की गई। 26 अक्टूबर 2021 को एप्पल ने तीसरी नस्ल के स्मार्ट वॉच एयरपोड्स को जारी किया जिसमें स्मार्ट वॉच एयरपोड्स प्रो मुकामी ऑडियो IPX4 वाटर रेजिस्टेंस ट्रील बैटरी लाइफ और मैगसेफ चार्ज की सलाहियत से मिलते जुलते छोटे तीनों के साथ एक बिरूनी दोबारा डिजाइन पेश किया गया है। ऑडियो ड्राइवर्स और ब्लूटूथ ट्रांसमिशन के जिम्मेदार तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्किटी मुकम्मल तौर पर एयरपोड्स के हेडबैंड में महफूज हैं। बैटरी तने में महफूज है। बैटरी और सर्किट बोर्ड फ्लैक्स रिबन केबल के जरिए जुड़े हुए हैं। किसी भी डिवाइस के साथ मुताबिक स्मार्ट वॉच एयरपोड या इससे ज़्यादा को रोकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक जल्दी पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच।